नमस्कार, मैं अमृत आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को हमारे कॉकटेल के प्रोग्रेस में आप लोगों से शेयर करेंगे और कॉकटेल के कुछ इन्फॉर्मेशन भी आज आप लोगों से शेयर करेंगे। जितना मुझे जानकारी मिला है कॉकटेल के बारे में कुछ जानकारी मैं आज आप लोगों से शेयर करेंगे। तो जितना जानकारी मुझे मिला है कॉकटेल के बारे में वही मैं आज आप लोगों से शेयर करेंगे। और दोस्तों हुआ क्या है, आप लोग जानते हैं मैंने एक ही पेयर कॉकटेल लिया है, रनिंग पेयर। रनिंग पेयर जब मैंने कॉकटेल लिया था तो शायद एक साल हो चुकी है, एक साल के बाद मुझे इसका प्रोग्रेस मिला है। तो मुझे बनता है इस वीडियो को आप लोगों से शेयर करना, तो इसलिए मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों वहाँ क्या है, जब मैंने कॉकटेल को लिया था रनिंग पेयर है वो एक साल पहले, तो हमारे यहाँ पर जब इस कॉकटेल को लिया है उसके बाद मैंने उन लोग जहाँ से मैंने लिया है उन्होंने हमको कहा भैया वो रनिंग पेयर है तो बहुत अच्छा प्यार है, तो इसलिए मैंने रनिंग प्यार ही मैंने लिया है। इसका जो रनिंग प्यार लेने के बाद मैंने उन लोगों को एक महीना बाद वो ब्रीडिंग सीजन था पहले साल, तो मैंने उन लोगों को ब्रीडिंग बॉक्स दे दिया है। ब्रीडिंग बॉक्स देने के बाद उन्होंने पहले 4 अंडा दिया है, ठीक है। 4 अंडा देने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि रनिंग प्यार लिया है बहुत अच्छा है। तो अंडा देखकर भी आप लोग जानते हैं जो जहाँ पर पहला जो लोगों प्रोग्रेस देता है बहुत अच्छा प्रोग्रेस दे रहे हैं, तो इसीलिए मैं बहुत खुश था। तो उसके बाद दोस्तों हुआ क्या है, चारों अंडा अनफर्टाइल निकला है। 4 अंडा रहते रहते भी और भी 4 अंडा उन्होंने दे दिया है, लगभग 8 अंडा दिया है एक ही साथ। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं, इस साल एक साल बाद हमारे यहाँ पर दोस्तों 2 चिक्स हम लोगों को देखने को मिल गया है। तो किस तरह से हम लोगों को इस चीज़ को देखने को मिला है, कितना मैंने एक साल तक इंतज़ार किया है, कॉकटेल के चीज़ हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, तो मुझे इसलिए इस वीडियो को आप लोग शेयर कर रहा हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसका जो मटकी बहुत गीला हो चुकी है, तो इसलिए मटकी को अभी मैं चेंज कर देंगे। क्या हुआ क्या है दोस्तों, एक साल बाद हम लोगों को इस चिक्स को देखने को मिल रहे हैं। क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पर, तो चलिए इसके बारे में कुछ बाद में बात करेंगे। अभी आप लोग यहाँ पर, तो अभी मैंने इस यहाँ पर जो अभी आप लोग देख सकते मटकी गीला हो चुकी है, तो पहले मैंने मटकी को चेंज करता हूँ। तो मटकी यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते जो रेडाई है, दोनों के दोनों चिक्स दोस्तों मुझे रेडाई मिला है। तो अभी आप लोग देखते मेल फीमेल तो मुझे कन्फर्म ही था, तो इसीलिए मुझे मिला है। तो अभी आप लोग देखते दोनों की रेडाई है, दोनों चीक से अभी रेडाई मिला है, क्योंकि उसका जो पेरेंट्स है एक है लुटिनो है और एक एल्बिनो है। एल्बिनो जो है ना, एल्बिनो रेडाई का स्प्लिट था, इसीलिए हमको 2 चीक्स मिला है, दोनों ही रेडाई मिला है। आप लोग देख सकते दोनों ही रेडाई है। तो अभी मैं उसका मटकी चेंज कर देंगे, क्योंकि मटकी थोड़ा गीला हो चुकी है, तो इसीलिए मटकी को मैं अलग से कुछ मटकी चेंज करके दे देता हूँ। तो उसके बाद मैं आपको शेयर करेंगे मेरे क्या तकलीफ हुआ था। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं 8 अंडा जो उन्होंने पहले दिया था, 8 अंडा देने के बाद उसे एक भी चिक्स नहीं निकला, तो 8 अंडा मैंने बाहर करके फेंक दिया था। 8 अंडा जब मैंने बाहर करके फेंक दिया था तो उसके बाद और फिर से और भी 4 अंडा दे दिया था, ठीक है। तो मैंने समझ गया है क्योंकि इसका जो बीमारी हो चुकी है, तो इसीलिए बार बार वो लोग अंडा दे रहे हैं, लेकिन अंडा जो है ना फर्टाइल नहीं हो रहा है, सिर्फ पूरे की पूरी अंडा अनफर्टाइल ही हो रहा है। जो इनबेंडिंग होता है एक रुक, तो इनबेंडिंग हो चुकी है उन लोगों को, क्योंकि वो लोग पहले केज में था, वो जो यहाँ पर जहाँ पर था उन्होंने केज में रहता था, तो हमारे यहाँ पर तो आके उन्होंने बहुत बड़ा कॉलोनी उन लोगों को मिल गया था। तो इसीलिए इसके बाद एक साल बाद हम लोगों को ये चिक्स को देखने को मिल रहा है दोस्तों। उसके बाद मैंने अब मटकी हटा दिया था, तो एक साल तक मैंने उन लोगों को ऐसे रहने दिया है। तो अभी इस साल मैंने 3 अंडा दिया है, ठीक है। इस साल मैंने उन लोगों को सिर्फ 3 ही अंडा दिया है, ज़्यादा अंडा नहीं दिया है, क्योंकि अभी शायद उन लोग ठीक हो चुकी है, तो इसलिए उन्होंने 3 अंडा दिया है। 3 अंडा से दो चिक्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और एक चिक्स अनफर्टाइल हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह होना चाहिए दोस्तों। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक साल बाद मुझे इस चीज़ को देखने को मिल रहा है दोस्तों। आप लोग भी दुआ करिए, क्योंकि इस चीज़ अभी जल्दी से बड़ा हो जाए, हो हम लोगों के साथ खेले।
ये मेरे लिए सब कुछ है दोस्तों। एक साल मैंने इंतजार किया है इस कॉकटेल के लिए। अभी देखिए उन लोग यहाँ पर जो पेरेंट्स है उन्होंने यहाँ पर जो मटकी मैंने नीचे ले लिया है, तो वो लोग यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या कर रहा हूँ, मटकी चेंज कर रहा हूँ, भी वो लोग देख सकते हैं। क्योंकि वो जो हमारी मैंने जो कॉकटेल लिया है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लोग खाना देते आएंगे तो आपके साथ ही रहते हैं, आपके साथ ही खाते हैं। ज़्यादातर वो लोग जो मुझे इस कॉकटेल को देखते पहले, वो लोग बहुत लोग यही कहते हैं कि क्या भैया हैंड फिटिंग है, तो हैंड फिटिंग तरह ही है वो, टेम तरह ही है, टेम हो चुकी है पूरी तरह से ये कॉकटेल, जो बहुत अच्छा है। मैं जब आके उन लोगों को पुकारता हूँ वो जल्दी हमारे सामने आ जाता है, जो खाना लेके आता हूँ हमारे सामने भी आता है, तो हमारे साथ ही चलते है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि शायद एक साल बाद मुझे चीज देखने को मिल रहा है, तो इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि एक साल मैंने इंतजार किया है, अभी तो ठीक हो चुकी है दोस्तों शायद। तो अगला ब्रीडिंग आप लोग हम लोग जो मिलेगा वो भी मैं आपको साथ शेयर करेंगे। अभी तो दो ही चीज़ हमको मिला है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को आज यही ख़त्म करता हूँ। दोस्तों इनबाइंडिंग जो है ना बहुत बुरा एक बीमारी है, क्योंकि उसका जो ज़्यादातर होती है कैल्शियम के कारण ही होता है। तो हमारे यहाँ पर मैंने बहुत इस परिमाण मैंने उन लोगों को कैल्शियम प्रोवाइड किया है, तो इसीलिए उन लोगों को अभी पहले से बेहतर हो चुकी है। तो इस साल तो मुझे दो चिक्स मिला है, तो अगले साल शायद और भी ज़्यादा मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आज यही ख़त्म करता हूँ।